हेलो दोस्तों, तो आज हम इस क्लास में कुछ क्वेश्चंस करने वाले हैं जो मोस्टली इंटरव्यू में पूछे जाते हैं इफ्स से रिलेटेड। जी हाँ, वीवी माइक्रो प्रोग्रामिंग के में जो इफ कंडीशंस होती है, इफ कंडीशंस से रिलेटेड जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं आज की क्लास में हम आपके साथ डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। Recording in progress. तो हमने पिछले वीडियो में कुछ क्वेश्चंस आपके साथ शेयर किए थे। आई होप कि आप लोगों ने क्वेश्चन कर लिया होगा और हम उसी क्वेश्चन की सॉल्यूशन आपको दे रहे हैं। आप लोग मैच कीजिए कि क्वेश्चन का सॉल्यूशंस क्या है। और जो सॉल्यूशन मैं दे रहा हूँ, मोस्टली इंटरव्यू में ये चीज पूछा जाता है। तो आपके सामने पहला नंबर क्वेश्चन है। चलिए हम पहले नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। Recording stopped. जो लोग मेरी इस वीडियो को YouTube पे देख रहे हैं, उनसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और आपको इस सीरीज की पूरी वीडियो चाहिए, आप चाहते हैं कंप्लीट माइक्रो प्रोग्रामिंग की वीडियो चाहिए, बेसिक टू एडवांस, उसकी फाइल, सैंपल कोड एंड PDF के साथ, तो आप क्या करें, मेरे ऐप को डाउनलोड करें। इस वीडियो के नीचे लिंक में iOS और एंड्रॉयड दोनों का ऐप दिया हुआ है, उस ऐप को डाउनलोड करें, वहां पे सारे वीडियोज आपको मिल जाएंगे। चलिए शुरू करते हैं सेशन को। Recording in progress. तो हम सबसे पहले डेवलपर टाइम में जाते हैं और हम विजुअल बेसिक, और यहाँ पे हम डुअल स्क्रीन कर देते हैं ताकि आपको पता चलेगा कि आखिर क्या हुआ। सबसे पहले कंडीशंस यहाँ पे, क्वेश्चंस यहाँ पे दिया हुआ है कि अगर क्वांटिटी इज ग्रेटर देन 60 तो क्वांटिटी को 40 से मल्टीप्लाई कर। तो यहाँ पे हम सब्जेक्ट देते हैं मॉड्यूल के अंदर, सब्जेक्ट क्वेश्चन नंबर वन ब्रैकेट ओपन। अब Q1 नहीं लिख सकता क्योंकि ये माइक्रो नेम एक्सेप्ट नहीं करेगा। और यहाँ पे लूप लगाएंगे कि 4i = चले 2 to यहाँ तक 12 तक, और यहाँ पे नेक्स्ट आई कर दिया। और यहाँ हम करते हैं एक वेरिएबल लेते हैं यहाँ पे कि डिम क्यू एज ए लॉन्ग और डिम सी एज ए ऑल्सो लॉन्ग। Recording in progress. ये क्या खुल गया। और यहाँ पे हम देते हैं कि यहाँ पे Q इक्वल टू सेल्स, सेल्स में आई रो एंड टू कॉलन डॉट वैल्यू, देन कंडीशन कि इफ क्वांटिटी इज ग्रेटर देन 40 देन आर इक्वल टू क्यू मल्टीप्लाई बाई 40, नहीं 60 होना चाहिए यहाँ पे, 60, हाँ 60, तो क्यू मल्टीप्लाई बाई 30। एक लाइन में दे दिया क्योंकि एक सिंपल सा एक मैंने एक सिंगल रिजल्ट है, सिंगल क्वेश्चन सिंगल रिजल्ट है इसलिए। और फिर यहाँ पे वापस करते हैं सेल्स, सेल्स में हम देते हैं आई रो एंड 3 कॉलन डॉट वैल्यू इक्वल टू हमने यहाँ पे आर। अब इसको रन कीजिए, रिजल्ट आ गया। बट ये यहाँ देखिए दिख रहा है आपको, एक गड़बड़ हो गई। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि हमने आर को खाली नहीं किया था, आर इक्वल टू यहाँ 0 करना होगा। तो ये आपका पूरा जगह पे आ गया। इसी क्वेश्चन को, इसी चीज को मुझे विदाउट इफ कंडीशंस का करना है कि हम बिना इफ कंडीशन के इसको कर सकते हैं। जी बिल्कुल कर सकते हैं बिना इफ कंडीशंस के। कैसे करेंगे चलिए बताते हैं।